This is RMK Broadcasting Service. And you're watching Studio Live RMK TV. Namaskar, Adab, Urzu. RMK Broadcasting Service RMK TV में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल है. You are welcome. दोस्तों कहते हैं, जान है तो जहां है. Health is wealth. तंदुरुस्ती हजार नियामत है. इसी उन्वान के तहत हमारा प्रोग्राम है उर्जू तो आय. उर्जू साउंड हेल्थ, आय लंबी उम्र. आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए हैं डॉक्टर आर के चंगू, किसी परिचय के मोहताज नहीं. डॉक्टर साहब नमस्कार. नमस्कार. प्रोफेसर ऑफ सर्जरी. डॉक्टर साहब, हम जिस टॉपिक का आज हमने इंतखाब किया है इस प्रोग्राम के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे. आपकी पैदाइश, जो ख्वाब डॉक्टर बनने का था, उसकी ताबीर के लिए कितनी कोशिश और इब्तदाई तालीम कहाँ पे हुई? मैं बेसिकली, जैसे हम सब लोग हैं, कश्मीर से हूँ एंड मेरा बर्थ हुआ है श्रीनगर में. हम रहते चद्दाबल में थे, विच इज़ नेक्स्ट टू करानगर, जहाँ मेडिकल कॉलेज पास में ही है. तो मेडिकल कॉलेज और इसके जो सामने अपना वो हॉस्टल स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स का होता था, तो वहाँ से हम बार बार गुजरते थे. और मेरे साथ जब भी मेरे एल्डर ब्रदर चलते थे, तो मेरे को उत्साह करते थे, मेरे को एक्साइट करते थे, स्टिमुलेट करते थे, देखो अब आपने इधर आना है. सो एक समझो ये भी. और सेकेंडली, मेरे हमारी फैमिली में, इनफैक्ट हमारी जीन्स में, इनफैक्ट मेरे अंदर एक वो था कि दैट कुछ ऐसा किया जाए कि जो लोगों के लिए, खासकर सफरिंग मासेस और पोर पीपल के लिए कुछ करा जाए. उस टाइम ये ख्वाब था मेरा. एंड ये ख्वाब, इस ख्वाब का मेरे को पूरा हेल्प मेरी फैमिली से मिला. और अल्टीमेटली मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में MBBS के लिए एडमिशन हो गई मेरी. पढ़ाई आपने छत्तरपल में की? पढ़ाई मैंने नेशनल हाई स्कूल से करी है. अच्छा अच्छा. बहुत ही अच्छा सेक्युलर एजुकेटिव एक्सलेंस थी वहाँ पे, एजुकेशन एकेडमिक एक्सलेंस थी वहाँ पे. बहुत ही माना गया स्कूल था. और उस नेशनल हाई स्कूल से बहुत ही बड़े बड़े एकेडमिशन्स निकले हैं. और मुझे गर्व है कि मैं भी वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ. उसके बाद मेरी प्राइमरी मेडिकल स्कूल एजुकेशन हुई है मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हुआ है. उन दोनों हमने, जैसे जो है कि आपने कहा कि आपने कौन सी जदोजहद करी है, बड़ी जदोजहद करी है. एक एवरेज क्लास से आके फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी. और इनफैक्ट मेरा एक मोटो रहा है अपनी लाइफ में, पुट योर फीट इनटू द शूज़ ऑफ द पेशेंट, इनटू द शूज़ ऑफ पेशेंट्स रिलेटिव्स, इन द शूज़ ऑफ दोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द पेशेंट. सो वो एक दिल में एक वो करके एम बनाई, जज्बात रखी. वी आई डेडिकेटेड माई सेल्फ टू द ट्राई टू डेडिकेट. आई एम नॉट श्योर वेदर आई हैव सक्सीडेड कम्प्लीटली, बट आई ट्राई टू डेडिकेट माई सेल्फ टू द प्रोफेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड द पुअर पीपल. सर्जन बनना ही क्यों? सर्जन इसलिए कि मेरा शायद इक्विपमेंट सर्जरी में ही था, और मेरे घर पे भी लोग सॉर्ट ऑफ सर्जरी ही सर्जरी में ही मेरे को धकेल दिया. सॉर्ट ऑफ मतलब उन्होंने, एवरीबडी वांटेड मी टू बी सर्जन एंड आई वाज माय सेल्फ, मैं खुद एक मुझे अच्छा लगता था सर्जरी. क्योंकि और दोज डेज जब हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर
में जबकि सर्जरी नहीं होती है, हम थिएटर में जाया करते थे तो मेरे साथ मेरे दो तीन फ्रेंड्स भी आते थे, मेरे क्लास फेलोज भी आते थे। हम जाते थे तो कुछ लोग अवॉइड करते थे, लेकिन हमें एक्साइटमेंट होती थी, हम जाएं, हम जाते थे और वहाँ पे नई नई चीज़ें देख के पेशेंट को कैसे आप पेशेंट की टिश्यूज़ के साथ आप खेलते हो, और रादर नॉट खेलते हो, पेशेंट टिश्यूज़ के साथ आप इंटरेक्शन करते हो और आप ऑन दी एट दी टारगेट साइट ऑफ ट्रीटमेंट देते हो खुद हाथों से। तो इसे एक फीलिंग होती है कि दैट यू कैन डू बेटर व्हेन यू रियली गो एंड मींस इनटू द पेशेंट्स प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब, पहली सर्जरी आपको याद है और बीमारी क्या थी? हमारा एक गुड लक रहा है कि हमने जो श्रीनगर में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की, बहुत मटेरियल होता था, मटेरियल का मतलब है कि द पेशेंट टर्न आउट बहुत ज़्यादा होता था और हमें बहुत मौका मिलता था काफ़ी सारे पेशेंट्स देखने के और करने के। तो बाकी सारे ऑपरेशन असिस्ट करके 36-36 40-40 घंटे लगातार वार्ड और थिएटर में काम करने से क्या हुआ कि जो एक लैंग्वेज हमारी बनी, एक सोशल लैंग्वेज एज वेल एज पर्सनल लैंग्वेज ऐसी बनी कि वही ये सर्जरी करना हमें सॉर्ट ऑफ अपने ये घर वाला रूटीन वाला काम रोज़मर्रा। तो फर्स्ट वाला पूछ रहे हो, तो फर्स्ट वाला मैं एक पहले उन दिनों वहाँ पे बहुत अल्सर का जूनल अल्सर एसिडिटी वगैरह वो बहुत होती थी, यहाँ भी होती थी, बट आजकल क्या है कि मेडिसिन से वो वाली सीन कम हुआ। तो दो चीज़ें बहुत कॉमन थी वहाँ पे, अल्सर, जूनल अल्सर उसकी सर्जरी और गाल बैड की सर्जरी। तो पहला मेरा मेरे बॉस ने मेरे को ये गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करने के लिए बोला, जी चलो आप, मैं अंडर हिज सुपरविजन पहले मैंने उनको असिस्ट किया, फिर उन्होंने मेरे को असिस्ट किया और फिर मैंने किया और वो अलग से खड़े रहे, देखते रहे, और देन दैट वाज द फर्स्ट। सो एक वो और दूसरा उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद हर्निया। तो ये दो चीज़ें मुझे अभी भी याद हैं कि हर्निया तो मेरे को अभी भी I keep on telling, showing and learning about hernias, gallbladder hernia. जी जी, डॉक्टर साहब, अब gallbladder की बात करें या intestinal problem होती है, surgeries की बात करें, तो क्या लगता है आपको जो gallbladder में आप surgeries करते हैं, क्या techniques अपनाते हैं? हालांकि आजकल अब तो नई techniques हैं आजकल। पहले मैं इससे पहले कि मैं techniques बताऊँ, मैं आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू के गाल ब्लैडर का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज हो, सारे डिजीज़ का, कैंसर का, गाल ब्लैडर का, उसका इसका सब सर्जिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सिनेरियो चेंज हुआ। जैसे गाल ब्लैडर का मान लो, पहले क्या कहते थे हम, फैट, 50 ईयर्स ऑफ एज, मतलब फर्टाइल, ज़्यादा बच्चे हों, ठीक है, वो ऐसे फैट फर्टाइल उसमें जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो, फ्लैचुलेंस हो, ऑल दोज थिंग्स। बट आजकल हमने देखा कि दिस ऑल हैज चेंज्ड, अब यंगर थिनर पीपल जो पतले होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स, और आई हैव ऑपरेटेड सो मेनी ऑफ जो बड़े यंग बच्चे। ऐसा क्यों होता है जो जैसे आपने बताया? शायद इसमें जो तब्दीली आई है, शायद डाइटरी, लेकिन एक इसमें ओवरऑल जो चेंजेस हुई हैं वो बेसिकली कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, जो डाइटरी बेसिकली हुआ है एक वो। दूसरा यहाँ मैं एक हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक बच्ची जो गाल ब्लैडर में एक तो स्टोन्स होती हैं, कैंसर होता है, और श्रीनगर में हमने बहुत देखा है जो रैम्पेंट जो है वो वर्म्स की वजह से, आम चुमाना है। सो एस्केरियस की वजह से गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम बड़ा कॉमन था वहाँ पे, और एक बच्ची है 11 मंथ्स की, मैंने ऑपरेट की है 11 महीने की 89 में उसका वही था आम,
इसकी रिस्क की वजह से करना पड़ा। और अब तो मैंने कोई चार साल पहले उसको देखा, उसके बच्चे भी हुए हैं। लेडी नाउ। टेक्निक्स के बारे में ऐसा है कि पहले टेक्निक्स क्या होती थी, सिंपल ओपन करो, हर एक सर्जरी ओपन हुआ करती थी। अब आ गया जमाना हम भी माइग्रेट करें और टेक्निक भी चेंज हो, जिसमें ओपन में आप टांके वगैरह लगवाते थे। ओपन में एक बड़ा सा इंसिजन, तो बड़ा वुंड बनाओ, अंदर जाओ, एब्डोमेन खोलो, एब्डोमेन में जाओ, जो भी है वो काटो और करो क्या करना है, स्टिच करो। आजकल जैसे मैंने कहा ना, जो ही हम माइग्रेट किए, इसी दौरान सर्जरी में भी माइग्रेशन हुआ टूवर्ड्स बेटर टेक्निक्स हो गए। अराउंड 89, 90, 91, 92 ये फेज था जब सर्जिकल एक्सप्लोजन हुआ। जैसे अगर कोई बंदा ना 89 में कोमा में गया होता सर्जन, जी जी, और वो फिर वापस आता 92 या 93 में, वो मर जाता, वो मर जाता कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये रेवोल्यूशन कैसे आया। एब्सोल्यूट टोटल 360 डिग्रीज रेवोल्यूशन। तो अब क्या हुआ, ओपन सर्जरी गॉट रिप्लेस्ड बाय मिनिमल एक्सेस सर्जरी। एक्सेस इज गोइंग इन ए पाथ, मिनिमल एक्सेस सर्जरी वो है मैक्सिमल, जो हम करते थे बड़े बड़े, कभी कभी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक चीरफाड़ करनी पड़ती थी। बट अब वो मिनिमल एक्सेस सर्जरी का क्या हुआ, ये चिप जो आया, चिप की वजह से। अच्छा। जो हमने चिप अंदर डाल दिया कैमरा का, जी जी जी, ठीक है, उसके बाद सारा एब्डोमेन विजुलाइज किया और मॉनिटर पे आप, और मॉनिटर पे फिर यहाँ से एक अपना सीजर या क्यों जो भी है, यहाँ से एक और इंस्ट्रूमेंट किया, करते गए और मॉनिटर पे देखते गए। सो इसका मतलब है कि आपका विजन जो मॉनिटर पे जो आप ऐसे देखते थे सामने, वो अब 20 times बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि अगर अंदर एक आप ओपन देखते हो तो आँख से देखते हो जितना जी है जी जी जी। और उस पर देखते हो 20 times। सो अगर कोई बारीक से बारीक चीज़ वहाँ 20 times एंड यू कैन डू बेटर। बट इसमें ये है कि ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि हाथ से आप टच करते हो, आँख से आप देखते हो। इसके लिए अलग डॉक्टर साहब कोई कोर्स होता है, तरबियत होती है? बिल्कुल, यू हैव टू बी इसमें जो ये नए टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक तो थोड़ा अगर ओपन सर्जरी की आपको तरबियत हो, अच्छी सी तरबियत हो, जी जी। दूसरा कि दूसरा क्या है कि दूसरा आपके ट्रेनिंग हो। क्यों मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इससे जब ओपन करते थे आप आँखों से डायरेक्ट देखते थे, हाथ से डायरेक्ट फील करते जी थे जी जी। लेकिन यहाँ ना आँखों से डायरेक्ट देखते हो तो इनडायरेक्ट विजन है उस पर, और वो भी बड़ा जी जी। दूसरा कि हाथों से टच नहीं करते हो, यू इनडायरेक्टली टच करते हो इंस्ट्रूमेंट से, सो आपको वो फील नहीं आती है जो हाथों से आती है। जिसने सारी उम्र वो किया हो, जिसने सारी नहीं, वैसे भी अगर सारी उम्र वो किया तो ज्यादा अच्छा है कि आपको कोरिलेशन हो जी जी जी। जो डायरेक्टली आगे आए तो कर ले, स्टार्ट कर ले, उनका इनडायरेक्ट विजन है टीवी पे, कैमरा पे, सॉरी मॉनिटर पे, और आप यहां से करते हो। सो एक तो इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट आंखों से नहीं देख रहे हो, दूसरा डायरेक्ट ये नहीं कि डायरेक्ट हाथों से टच नहीं करो, टैक्टाइल फीलिंग नहीं है, और तीसरा करते यहाँ हो देखते वहाँ हो। सो इसमें एक बार थोड़ा सा ट्रेनिंग, उसके बाद तरबियत अच्छी सी हो, उसके बाद मास्टरी कर सकते हो, तो एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, कामयाबी के जो रेट्स हुआ करते थे उस वक्त ज्यादा थे या आज की टेक्निक में ज्यादा? देखिए मैं बताता हूँ, कामयाबी का मतलब ये है सक्सेसफुल रेट। अगर कोई बंदा सिर्फ हाथ की सर्जरी करता है और हॉस्पिटली हैंड सर्जरी हॉस्पिटल है जी जी, और बंदा सिर्फ डेडिकेटेड है हैंड सर्जरी में और बेस्ट इन सेंटर इन द वर्ल्ड, वो भी कह सकता है कि मेरे को सक्सेस 100% नहीं होता जी, जी, जी। एक बार आप सर्जरी करो, सक्सेस ये जरूरी नहीं कि 100% सक्सेस हो। अब ये रिलेटिव होता है कि आपको इंडिकेशन ऑफ सर्जरी क्या है, उस हिसाब से आप, जैसे कैंसर में अगर इवन एडवांस कैंसर हो आप सर्जरी करते हो, तो सर्जरी में क्या है कि ये ज़रूरी नहीं कि पेशेंट बच गया, ये यू कैंट सी पेशेंट क्योर, लेकिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द पेशेंट
of the life of patient, quantity and quality of the patient of life of patient increases. So ये अच्छा अब success rate की जो कहते हैं कि पहले कैसा था अब कैसा है अब अगर हम open surgery को minimal access laparoscopic minimal access जैसे laparoscopic surgery कहते हैं अगर major करो ना laparoscopic surgery में definitely better outcome है क्योंकि जितना बड़ा इंसिजन उतना ज़्यादा इन्फेक्शन रेट्स उतनी ज़्यादा मॉर्बिडिटी उतना ज़्यादा पेन उतना ज़्यादा समय की बचत भी वक्त समय की काफ़ी बचत इनफैक्ट इसमें मेन एडवांटेज है अर्ली रिटर्न टू वर्क सो अगर आप किसी को ओपन करो तो रिटर्न टू वर्क विल टेक लॉट ऑफ टाइम हम ये करते हैं हम हर एक चीज़ आजकल अब मिनिमल एक्सेस लैप्रोस्कोपी से करते हैं 2007 में मैंने यहाँ कैंसर सर्जरी स्टमक कैंसर सर्जरी भी इसी से शुरू करी है तो आजकल पहले क्या करते थे कि कैंसर सर्जरी का ऑपरेशन होता था कि नहीं इस टेक्निक से नहीं किया जाए बट अब ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स आए हैं कि ये कैंसर सर्जरी भी इसी मिनिमल एक्सेस सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से आजकल ब्रेन का मिनिमल एक्सेस होता है ये टेक्निक इस्तेमाल होती है आजकल चेस्ट का होता है इवन इसोफेगस जॉइंट का होता है हर्निया जी मिनिमल एक्सेस सर्जरी से सारा कुछ फर्स्ट क्लास होता है एंड जैसे अगर हर्निया में आप उसको बोलते हो कि 3 हफ्ते का रेस्ट करना है मिनिमल एक्सेस सर्जरी ऐसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप कहते हो कि तीसरे दिन आप चलो फिरो मैक्सिमम 1 हफ्ता हैवी काम ना करो उसके बाद योर एज गुड एज अ नॉर्मल क्योंकि आपका जो इंसिजन वाला है वो तो बहुत बिल्कुल मतलब तरीका तरकीब ऐसे है उसे गाल ब्लैडर में तो आपको पता ही है कि दिस इज रूटीन सर्जरी अच्छा डॉक्टर साहब इस एरिया में जब से अब लगभग 30 साल हमें 40 हो गए जी नहीं यहाँ इस एरिया में जम्मू एरिया में हाँ। क्या आपने देखा क्या ये जो गाल ब्लैडर की समस्या ज़्यादा बढ़ चुकी है या इसमें जो ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं आप इसके बावजूद एक हिसाब से हाँ बट अभी वो जो स्टैटिस्टिकल डाटा है ना वो हमारे पास ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं है पर एक हिसाब से एक जो जैसे कंसंट्रेशन पॉपुलेशन की हुई है यहाँ तो माइग्रेशन की वजह से अदरवाइज थोड़ा सा तो इंक्रीज थोड़ा नहीं इंक्रीज हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस जो पेशेंट्स में हुई है कि जैसे आप गालबेड़ की बात कर रहे हो तो जैसे अवेयरनेस हुई है पेशेंट्स में कि गालबेड़ में स्टोन बड़ी देर ना रखने दो प्रॉब्लम होती है तो वो अवेयरनेस एंड डिटेक्शन अर्ली होती है हर एक चीज़ में नॉट ओनली गालबेड़ ऑल डिजीज क्योंकि हमारे पास इमेजिंग के टेक्निक्स बेटर आए हैं अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड सो इसमें हाँ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है जी ये जो आपने बताया कि जो हर्निया आमतौर पे पाया जाता है आजकल ऐसा क्यों होता है ये हर्निया इसके कारण क्या है ये कोई खास इसके लिए कोई उम्र होती है उम्र वैसे एक चीज़ होता है ये दो किस्म के नहीं हर्निया कहीं भी होगा एक हर्निया होता है जो आपको कोई परेशानी ना इंग्वाइनल एरियाज में होते हैं दूसरे हर्निया पेट में होते हैं यूजुअली जिसे हम इंसिजनल हर्नियाज कहते हैं बहुत बड़ा एक टॉपिक है ऑपरेशन के बाद यही है ना मेरा यही कहना कि ओपन सर्जरी के बाद हर्निया हो क्योंकि ओपन सर्जरी से मसल्स नर्व्स वीक पड़ जाते हैं या कट जाते हैं तो उस वीकनेस की वजह से क्या होता है कि ये हर्निया हो जाता है क्या जैसे वॉल वीक होता है और उसमें जो अंदर वाले कंटेंट्स होते हैं जो अब्डोमेन के वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं तो कोई खास ऐसा नहीं है बचपन वाले हर्निया होते हैं बच्चों में उसमें छोटे छोटे बच्चों में होता है या वीकनेस की वजह से ओल्ड एज में होते हैं हर्नियाज निकल आते हैं अब जब हम अपनी कम्युनिटी की बात करें 30 साल के बाद हम यहाँ पे हैं आपने देखा कि हमारी कम्युनिटी में अगर आप कश्मीर की बात करें वहाँ ये बीमारियाँ ज़्यादा थी जैसे ये गॉलब्लैडर में स्टोन्स वगैरह या हर्निया की बात हम करते हैं गॉलब्लैडर का मैंने ऑलरेडी वहाँ ज़्यादा किया क्योंकि ये लाइफस्टाइल जब चेंज हो गया नहीं लाइफस्टाइल से तो हर एक जगह और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बीमारियाँ बढ़ गई हैं
लेकिन हर्निया के मामले में इतना वो डिफरेंस नहीं है, बिकॉज कॉजेज वगैरह वही हैं जो वहाँ पे जी यहाँ पे हैं, उसमें इतना नहीं है। फिर गाल्डर में मे बी हाँ, बिकॉज ऑफ दिस। इससे कनेक्टेड है सिट्रस, सिट्रस की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी डायरेक्ट डायरेक्ट और बाकी डिजीज़ हैं जो स्ट्रेस की वजह से हुई हैं, जैसे अल्सर डिजीज़। यहाँ पे आप देखो सबकी एसिडिटीज़ होती हैं, इरिटेबल बाउल्स होते हैं, और भी काफ़ी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्ट्रेस की वजह से हुई हैं। ये गाल ब्लैडर और हर्निया का मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस के साथ इतना कुछ है कि, बट देन स्ट्रेस प्लेज अ पार्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स। कोई डॉक्टर साहब कोई ऐसी सर्जरी बताइए जो आपने की यहाँ जम्मू में और जो आपकी एक यादगार सर्जरी रही हो, जिसमें आप परेशान भी हुए और बाद में आपको कामयाबी मिली, कोई ऐसा इंसिडेंट? पहले बताऊं, जो परेशान होना ना, ये सर्जन की किस्मत में लिखा हुआ है। अगर अगर कोई किसी सर्जन से आप बात करोगे और वो बोले कि मैं परेशान नहीं हुआ हूं किसी भी केस में या कई केस में, या वो बोलता है कि मेरे से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, वो झूठ बोलता है, या तो उसने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। जी जी जी, परेशानी कॉम्प्लिकेशंस 24/7 पेशेंट के साथ, और कभी कभी सपने भी पेशेंट के आने, वो उस प्रोसीजर के भी आने। कभी कभी मेरे को, मैं सोच में बैठा होता हूँ तो मेरा बच्चा बोलता है, मेरे को मेरी बेटी बोलेगी, पापा कौन सा प्रोसीजर कर रहे हो इस वक्त। मतलब ये सो परेशानी ऑल द वे। और जो आप बोले कि कोई ऐसी सर्जरी, हाँ मैं बड़ा लाइक करता हूँ इनोवेशंस, क्योंकि जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं मेरी एज के, तो वो उन्होंने ये सारा, जिस दिन ये मिनिमल एक्सेस सर्जरी लैप्रोस्कोपी आई, वो उन्हें छोड़ दी बर्थडे काफ़ी सारों ने, तो मैं कंटिन्यू कर गया, आई वेंट विद द चेंज। तो नेचुरली आप चेंज करोगे, आप चेंज की तरफ जाओगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन भी होंगी, आपको टेंशन भी होगा, और आई लव दैट टेंशन। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एक वो कैंसर मैंने स्टार्ट किया लैप्रोस्कोपिकली, यहाँ नहीं करते थे, और ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में थोड़ा पोजीशन थी उसकी, अब सारा ठीक हो गया। अब दे एक्नॉलेज आई हैव प्रेजेंटेड दिस आउटसाइड कैंसर लैप्रोस्कोपिकली, वो है बड़ी बात, स्टमक में मैंने स्टार्ट किया एक वो। दूसरे, हम कैंसर बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब इस हफ्ते जैसे मैंने दो कैंसर करने, तीन करने महीने में, सर्वाइवल के चांसेस इसमें मैंने बोला, मैं आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, क्योर उसकी तरफ देखो। जी जी जी, अब ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से स्टेज में पेशेंट आता है, बिल्कुल किस हालत में आता है, उसकी जनरल हालत कैसी है, उसकी न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी बाकी चीज़ें कैसी हैं। ठीक है ना, सो कैंसर में क्योर हो सकता है, बट व्हाट यू एम एट इज इम्प्रूविंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पेशेंट, एक्सटेंशन जिसे आप कहते हैं, गुड एक्सटेंशन नॉट बैड गुड एक्सटेंशन। हाँ, होता तो पीपल ऑफ कैंसर सफर अ लॉट, एंड दिस इज इन द बैक ऑफ योर माइंड एंड इन योर ब्रेन, हमेशा ये रहता है कि उसका क्या करें, अब उसको आज पेन हुई तो पेन का क्या करें, आज वो हुआ तो क्या करें, उसको न्यूट्रिशन नहीं है, एल्ब्यूमिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, वो ये तो ये एक कंबाइंड एफर्ट से फैमिली, फिजिशियन, सर्जन, कीमोथेरेपिस्ट, वो ये सारा कुछ है, और अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट और एक्सरे वाले, वो एक कम्यूटेड, ये एक टीम वर्क है बेसिकली। बट सर्जन की के टेंशन्स कभी कम नहीं होते, क्योंकि एवरी डे आप इसका ये हुआ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये कर लो, फिर वो हुआ तो वो कर लो, बट और ये वाले लोग यूजुअली दीज पेशेंट्स आर ओवरऑल वेरी लो, बहुत हाई रिस्क होता है उनमें, बहुत लो होते हैं, तो इट्स अ चैलेंज। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गाल ब्लैडर की, जी सर्जरी ही क्यों? हाँ, पहले ऐसा होता था कि मैं भी उसी थॉट
मैं बिलीव करता था कि सर्जरी क्यों, हाँ देखो बड़ी बड़ी स्टोन्स होती हैं गाल बैर में, कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं करते पेशेंट को, पेशेंट के साथ ही बंदे के साथ ही चला जाता है टिल डेथ, कुछ नहीं करता है। बट आजकल ये अवेयरनेस थोड़ी सी प्रोफेशन हमारे सर्जिकल प्रोफेशन में आई है कि दैट गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैन बी हार्मफुल। ठीक है, बड़ी स्टोन हो तो उधर गॉल ब्लैडर के आउटलेट नेक जिसे कहते हैं फंस जाए, फिर धीरे धीरे प्रेस करे उस डक्ट पे, मेन डक्ट जिसे हम कॉमनवेल्थ डक्ट बोलते हैं, जॉन्डिस करे या उसी के थ्रू घुस जाए तो सीबीडी में घुस जाए, तो ये बहुत एक जॉन्डिस कर लेता है, प्रॉब्लम कर लेता है ये बड़ी स्टोन। छोटी स्टोन हो तो छोटी छोटी स्टोन जो हैं वो नीचे से डक्ट में जाके बंद करती हैं, डक्ट को ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस हो जाता है, इसकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है। यहाँ कभी लेटली वेरी लेट वेरी वेरी सॉरी नॉट लेट आई मीन काफ़ी देर गॉल स्टोन्स रहें तो ये माना जाता है कि माना जाता है कि ये कैंसर भी कर सकती है। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा डेफिनेट नहीं हुआ कि गॉल ब्लैडर स्टोन कैंसर करेगी, नो बट लेकिन चांसेस हैं, नो लेकिन किसी कैंसर में जब आप गॉल ब्लैडर का कैंसर आप देखोगे तो उसमें स्टोन्स होती हैं, मतलब हर एक ऑलमोस्ट हर एक गॉल ब्लैडर में जहाँ कैंसर हो स्टोन्स पाई जाती हैं। जी जी, तो वही लोग वो अभी बहुत काम इस पर और हो रहा है कि है कि नहीं, इसलिए लोग कहते हैं कि कैंसर एक चीज़ है जो पोटेंशियली धरना चाहिए हमें कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन्स ना कर ले, खासकर जब गॉल ब्लैडर में जो छोटे छोटे ग्रोथ्स होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं, अगर पॉलिप हो, बड़ा पॉलिप हो, स्टोन्स हो तो पक्का गॉल ब्लैडर निकलना चाहिए। अच्छा, मल्टीपल स्टोन्स हो निकलना चाहिए, या गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन दो चार बार आया और फंस गई ये स्टोन, ये करना चाहिए खासकर डायबिटिक्स में। निकलने के बाद पेशेंट को कोई परेशानी तो नहीं होती है? देखो जी, भगवान जी ने बनाए हैं सारे ऑर्गन्स बॉडी में, अपेंडिक्स बनाया है, टॉन्सिल बनाया है, गॉल ब्लैडर सब कुछ बनाया है, लेकिन जब अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन होता है, अपेंडिक्स टॉन्सिल ज़रूरी हैं बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून मैकेनिज्म के लिए। जी जी, ये भगवान ने ऐसे ही नहीं, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचते, लेकिन अब जब उसमें इन्फेक्शन और टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, टॉन्सिल अपेंडिक्स होता था, अपेंडिक्स निकालते हैं, ऐसे ही गॉल ब्लैडर अगर दुखदायक बने और उसमें पस हो जाए, फट जाए, जॉन्डिस करे, कैंसर के चांसेस प्रोड्यूस करें, तब तो निकलना चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद गॉल ब्लैडर का फंक्शन एक रिजर्वोयर फंक्शन है, ऊपर से बाइल आता है लीवर से, उसमें जमा हो जाता, जब फूड नीचे आता है ड्यूडेनम में ये कंट्रैक्ट हो जाता है और बाइल उसके साथ मिल जाता है फूड के साथ। अब क्या होता है कि ये वाली जो जो प्रोसेस है वो तो अब डिफरेंट हुई ना, अब डायरेक्टली ऊपर से बाइल आता है, डक्ट्स में आता है, फूड में मिल जाता है। सो कभी जब फूड ना भी हो तब भी मिल जा सकता है, तभी क्योंकि रिजर्वर कैपेसिटी नहीं है। धीरे 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 पेशेंट हो जाता है, मतलब कंपनसेट कर जाता है ये सिस्टम, बट लेकिन ऑन द होल यू आर टेकिंग आउट एन ऑर्गन, है ना। सो कुछ इफेक्ट्स होंगे, जैसे गैस्ट्राइट्स होता है, ड्यूडेनल ये जो बाइल गैस्ट्राइट्स बोलते हैं, वो तो होएगा थोड़ा थोड़ा, इन कोर्स ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएगा। एक और चीज़ मैंने इसमें बताना है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो आते हैं जी गॉल ब्लैडर निकाला तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। हम गॉल ब्लैडर इसलिए नहीं निकालते हैं कि पेशेंट को, जिस पेशेंट को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो, स्टोन्स हो, उसको बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे इंडाइजेशन हो, गैस हो, कब्जी हो, लूज मोशन हो, कुछ और हो, उसके लिए नहीं निकालते हैं, क्योंकि जिस पेशेंट में गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर की इन्फेक्शन हो उसमें ये चीज़ें भी होती हैं, भी नॉट बिकॉज ऑफ गॉल ब्लैडर। तो इसलिए जब हम गॉल ब्लैडर निकालेंगे, पेशेंट को ये नहीं आइडिया होना चाहिए गॉल ब्लैडर निकला तो वो जो गैस होती है या जो वो सारी चीज़ निकल, ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, नो। सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं गॉल स्टोन से वो ना हो। उसके बाद पेशेंट को आप मुख्तसरन प्रिवेंशन क्या बताते हैं, क्या उसको करना है जब आप उसका गॉल ब्लैडर, उसके बाद तो प्रिवेंशन का कुछ नहीं खाने है, पीने में तो खाने पीने में क्या है, आप तो ले लो फैट ले लो,
अब तो जो अमूमन मैंने देखा मसाले मिर्चियाँ बंद करो, क्यों नहीं, अगर एसिडिटी वगैरह हाइपर एसिडिटी वगैरह ड्यूरल अल्सर वगैरह है तो कर लो, लेकिन नॉर्मल डाइट ले सकता है पेशेंट, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, कि ये स्ट्रिक्ट बनाओ पेशेंट को ये लेना है वो नहीं लेना, तो फिर और टेंशन करो स्ट्रेस करो तो डॉक्टर डराते हैं ना ऐसा मत ले लो डॉक्टर साहब, ये बीमारी ना हो खासतौर पर जब हम गाल ब्लेडर में स्टोन्स की बात करते हैं या हर्निया वगैरह, ये तो खैर है ही, या ड्यूटल अल्सर की बात करते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए कि नहीं हो ये बीमारी है? जनाब कोई भी बीमारी ना आपका, हो आपका संदेश क्या है? कोई भी बीमारी ना हो उसके लिए ये किस है कि लाइफस्टाइल वगैरह लाइफस्टाइल चेंज करो, फास्ट फूड्स वगैरह एक्सेसिव नहीं यूज करो, और सिगरेट स्मोकिंग एंड एल्कोहल दीज आर रियली डेंजरस, दीज आर रियली ये एक पोटेंशियल चीज़ें हैं जो अपनी सेहत को अपने सारे ऑर्गन्स को ख़राब करती हैं, तो अब टेक होम मैसेज यही है कि टू मच ऑफ सॉल्ट, टू मच ऑफ शुगर, टू मच ऑफ एनीथिंग इन फैक्ट, ठीक है ना, ये तो किडनीज में भी पथरी होती है उसको भी फिर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आमतौर पे तो किडनी में पथरी होती है, होती तो है पर उसके वजूहत इसके उसके प्रिवेंशन ना, अच्छा अच्छा उसके बिल्कुल डिफरेंट कॉजेज हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट है, डिफरेंट मैनेजमेंट है, डिफरेंट प्रिवेंशन है, डिफरेंट पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस। एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, हम इस प्रोग्राम का हमारा समय हो चुका है, क्या ये नई टेक्निक्स लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है? अभी नहीं, आज की तारीख में अभी नहीं लेकिन देखो ना, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी की हार्वेस्टिंग करते हैं इसी लेप्रोस्कोपी से, तो ये आने वाले समय में इस तरह का हो क्या एक रेवोल्यूशन आएगा कि? पता नहीं, जब ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ पता नहीं था कि ऐसा रेवोल्यूशन ये हो जाएगा, आजकल रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, आजकल और भी सर्जरी कर रहे हैं, टेली सर्जरीज करते हैं, सो इसमें तो पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है, यू शुड एक्सपेक्ट एनीथिंग एनी एक्सप्लोजन। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बातें आपने की और हमें उम्मीद है कि जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़े आप ज़रूर फिर से हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर आर के चरंगू हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में थे, आपसे बातचीत हुई, पूरा भरोसा है कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। आज के प्रोग्राम से हम चाहेंगे इजाज़त, प्रोग्राम था उर्जू द आई, नमस्कार आदाब उर्जू।